अगर 2023 या 24 में आप कोई स्लीपर बस खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रांसपोर्ट टूर चैनल को। जब से 13.5 मीटर सेगमेंट की बसेस रोड लीगल हुई है, तब से मार्केट में कई सारे नए बस बॉडी डिजाइन आए हैं। स्लीपर बस बनाने के लिए मेजोरिटी ऑपरेटर्स आइशर कंपनी की 6019 बस चेसिस, टाटा मोटर्स की 1822 बस चेसिस, अशोक लैंड कंपनी की 2513 बस चेसिस और जिनका बजट ज़्यादा है वो भारत बेंज की 1824 बस चेसिस प्रेफर करते हैं। ये सभी गाड़ियाँ 13.5 मीटर सेगमेंट में आती हैं, जिन पर 36 स्लीपर बर्थ की बस बन सकती है। चेसिस तो ऑपरेटर्स मार्केट ट्रेंड, डिस्काउंट और एवरेज के हिसाब से चूज करते हैं, बट बॉडी बिल्डिंग के वक्त हमेशा कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किससे बॉडी बनाए। तो हमने आपके लिए चूज किए हैं कुछ ऐसे बस बॉडी बिल्डर्स जिनकी बसेस इस समय में सबसे ज़्यादा डिमांड में है। इस लिस्ट में नंबर 1 पर आती है SM कनप्पा ऑटोमोबाइल्स यानी कि प्रकाश। ये बेंगलोर कर्नाटक की कंपनी है। इनके पास कपिला, वेगा जैसी स्लीपर बसेस अवेलेबल है। एवरेज बस बॉडी बिल्डिंग कॉस्ट 25 लाख टू 35 लाख तक जाती है। इनके कुछ पॉपुलर कस्टमर्स की बात करें तो श्री गणेश ट्रैवल्स, हमसफर ट्रैवल्स, डॉल्फिन ट्रैवल्स जैसे कई सारे कस्टमर्स इनकी बसेस अभी यूज कर रहे हैं। नंबर 2 पर आती है MG बस एंड कोच। ये कंपनी बेलगाम कर्नाटक से है। इनके पास ड्रीम्स, लीराज, ग्लाइडर्स प्लस जैसी स्लीपर बस अवेलेबल है। एवरेज बस बॉडी बिल्डिंग कॉस्ट 28 लाख टू 35 लाख तक जाती है। इनके कुछ पॉपुलर कस्टमर्स की बात करें तो SST लिमोलाइनर, पायल ट्रैवल्स जैसे कई सारे कस्टमर्स इनकी बसेस अभी यूज कर रहे हैं। नंबर 3 पर आती है वीरा वाहना उद्योग लिमिटेड बेंगलोर। ये कंपनी बेंगलोर कर्नाटक से बिलोंग करती है। इनके पास V5, V6, V7, V8 जैसे स्लीपर बसेस अवेलेबल है। एवरेज बस बॉडी बिल्डिंग कॉस्ट 28 लाख रुपए से लेकर 34 लाख रुपए तक जाती है। इनके कुछ पॉपुलर कस्टमर्स की बात करें तो अशोका ट्रैवल्स, कल्पका ट्रैवल्स और जयंती ट्रैवल्स जैसे कई सारे कस्टमर्स इनकी बसेस अभी यूज कर रहे हैं। रिसेंटली इस कंपनी ने वीरा V8 बस को लॉन्च किया है, जिसका डिजाइन थोड़ा सा अजीब लगता है। और इनके पास वीरा महासम्राट फुल्ली बिल्ड स्लीपर बस भी अवेलेबल है, जिसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर जान सकते हैं। नंबर 4 पर आती है सतलज मोटर्स। ये कंपनी जलंधर पंजाब से बिलोंग करती है। इनके पास जंबो, S1800 जिसी स्लीपर बसेस अवेलेबल है। एवरेज बस बॉडी बिल्डिंग कॉस्ट 30-35 लाख रुपीज तक जाती है। इनके कुछ पॉपुलर कस्टमर्स की बात करें तो राजरतन ट्रैवल्स, नवीन ट्रैवल्स, जागीरदार ट्रैवल्स, शर्मा ट्रैवल्स जैसे कई सारे कस्टमर्स इनकी बसेस अभी यूज कर रहे हैं। और पर्सनली इनकी S1800 स्लीपर बस का इंटीरियर बहुत बढ़िया है। आइशर कंपनी की 6019 बस चेसिस पर ये बॉडी काफी सही बैठती है। नंबर 5 पर आती है जसवंत इंडस्ट्रीज। ये कंपनी जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करती है। इनके पास 13.5 मीटर सेगमेंट में स्लीपर बसेस अवेलेबल है। इनकी बनाई हुई बसेस मेजोरिटी लॉन्ग रूट्स पर चलती है, जैसे जोधपुर टू बेंगलोर और बेंगलोर टू जयपुर। एवरेज बस बॉडी बिल्डिंग कॉस्ट 25-32 लाख रुपए तक जाती है। इनके कुछ पॉपुलर कस्टमर्स की बात करें तो जाखल ट्रैवल्स, महादेव ट्रैवल्स, विजय ट्रैवल्स जैसे कई सारे कस्टमर्स इनकी बसेस अभी यूज कर रहे हैं। और स्पेशली ये कंपनी वोल्वो बसेस को भी स्लीपर में कन्वर्ट करती है। नंबर 6 पर आती है श्री साई कोच। ये कंपनी अहमदाबाद गुजरात से बिलोंग करती है। इनके पास सभी स्लीपर बसेस की डिट्टो कॉपी मिल जाएगी, चाहे वो वोल्वो की 9600 हो या MG की ग्लाइडर्स। इनकी स्पेशलिटी स्कैनिया बस बॉडी बिल्डिंग में है। अगर आप स्कैनिया बस जैसी डिट्टो कॉपी बनाना चाहते हैं तो आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये आपको जैसी चाहे वैसी कॉपी बनाकर दे सकते हैं। एवरेज बस बॉडी बिल्डिंग कॉस्ट 23 लाख रुपए से लेकर 30 लाख तक जाती है। इनके कुछ पॉपुलर कस्टमर्स की बात करें तो न्यो बस, गुजरात ट्रैवल्स जिसे कई सारे कस्टमर्स इनकी बसेस अभी यूज कर रहे हैं। नंबर 7 पर आती है सनातन कोच। ये कंपनी इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। इनके पास कस्टमाइज स्लीपर बसेस अवेलेबल है। एवरेज बस बॉडी बिल्डिंग कॉस्ट 28 लाख रुपए से लेकर 32 लाख रुपए तक जाती है। इनके कुछ पॉपुलर कस्टमर्स की बात करें तो राजरतन ट्रैवल्स, इंटरसिटी ट्रैवल्स जिसे कई सारे कस्टमर्स इनकी बसेस अभी यूज कर। नंबर 8 पर आती है न्यू जांगिड कोच। ये कंपनी इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। इनके पास कस्टमाइज स्लीपर बसेस अवेलेबल है। एवरेज बस बॉडी बिल्डिंग कॉस्ट 24 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक जाती है। इनके कुछ पॉपुलर कस्टमर्स की बात करें तो अन्नपूर्णा ट्रैवल्स, इंटरसिटी ट्रैवल्स जैसे कई सारे कस्टमर्स इनकी बसेस यूज करते हैं। ये तो थे कुछ प्राइवेट बॉडी बिल्डर्स जिनकी बसेस बहुत ज्यादा डिमांड में है। अब बात करते हैं कुछ OEM बस बॉडी बिल्डर्स की, जिनके पास आपको डायरेक्ट फुल्ली बिल्ट बस मिल जाती है। इस लिस्ट में नंबर 1 पर आती है टाटा मार्को पोलो। इनकी बसेस धारवाड़ कर्नाटक में बनती है। इनके पास मैग्ना स्लीपर बस अवेलेबल है।
इस बस की टोटल प्राइस रेंज 65 लाख रुपए से लेकर 70 लाख रुपए तक जाती है। इनके कुछ पॉपुलर कस्टमर्स की बात करें तो रिसेंटली वीएल ग्रुप ने इन्हें 50 स्लीपर बसेस का ऑर्डर दिया है। बढ़िया डिजाइन के साथ ये बस आती है। नंबर दो पर आती है VECE यानी कि वॉल्वो आइशर कमर्शियल व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड की 6019। इनकी बसेस होस्कोट कर्नाटक में बनती है। इनके पास 6019 स्लीपर बस अवेलेबल है जो खासकर 13.5 मीटर सेगमेंट में आती है। इस बस की कीमत 65 लाख रुपए से लेकर 70 लाख रुपए तक जाती है। इनके कुछ पॉपुलर कस्टमर्स की बात करें तो इस कंपनी को भी VRL कंपनी ने 50 स्लीपर बसेस का ऑर्डर दिया है। इसी के साथ साथ संगीतम ट्रेवल्स, शर्मा ट्रेवल्स जैसे कई सारे कस्टमर्स इनकी बसेस को यूज कर रहे हैं। बढ़िया डिजाइन के साथ वॉल्वो 9600 जैसा प्रीमियम इंटीरियर इस बस में मिल जाता है। इस लिस्ट में हमने ग्लाइडर्स प्लस को मेंशन नहीं किया है क्योंकि वो आप डायरेक्ट MD से भी बना सकते हैं। ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता इसलिए मैंने बहुत सारे बस बॉडी बिल्डर्स को इस वीडियो में मेंशन नहीं किया है, और इसके पीछे भी कारण है। कुछ लोकल बस बॉडी बिल्डर्स की बसेस उनके स्पेसिफिक रीजन में ज्यादा चलती है और उनका सेल्स डाटा भी अवेलेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से हम चाहते हुए भी उनका नाम लिस्ट में मेंशन नहीं कर पाते। बट आने वाले एपिसोड्स में आप स्लीपर के साथ साथ सीटर बस बॉडी बिल्डर्स के भी बारे में जानेंगे, जिनमें झारखंड के सूरज कोच से लेकर केरला की कोन बॉडी तक सब कवर हम करेंगे। और आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, कमेंट में आप आपके फेवरेट स्लीपर बस बॉडी बिल्डर के बारे में लिख सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी आप विजिट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।